नमस्कार साथियों, उन लोगों मात्रम जय श्री राम। आज हम खड़े हैं, मेरे साथ में है बहन पवनी मेघवाल। आप लोग जानते हैं कल के आंदोलन से चर्चा में है ये, क्योंकि इन्होंने सत्य का साथ दिया और मंच पर कई ऐसे दोगलों को, कई ऐसे सचुंदरों को खरी खोटी सुनाई, जिसमें ना भी किसी भी जाति विशेष या किसी भी समाज को इन्होंने टारगेट नहीं किया। इन्होंने केवल और केवल सत्य की बात की और न्याय की जांच की बात की। आप वर्तमान में, मैं आपको बता दूं इनका परिचय, कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जालौर जिले के मंत्री हैं और पूर्व में पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं। तो जब से कल कार्यक्रम पूरा होने के बाद में करीबन 7-8 बजे आप आए होंगे घर पे, 7 बजे तभी से फोन शुरू हो गए थे, 5 बजे से ही इनके पास में कुछ फपुंदरों के फोन आने लग गए। और कोई कह रहा है कि तुम्हें महंगा पड़ेगा, कोई कह रहा है कि तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध लो, कोई कह रहा है ये कर दो, कोई कर देंगे वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो सुन लो सूर के पिल्लों, ये मेघवाल समाज की नहीं, अब 37 कौम हिंदू समाज की बहन बेटी है। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो जाल, इसके घर की बात तो छोड़ो, ये इसका भाई SS टाइगर और ये करणी सेना और 37 कौम इसके साथ में खड़ी है। घर की बात छोड़ो, टच करने की बात छोड़ो, जालौर जिले के आसपास खाली एक संदेश देकर कहीं एक चक्कर लगा लेना, फिर अपने पांव से आओगे, परंतु वापस कैसे जाओगे इसकी गारंटी ना तो मेरी है ना मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद अगर इसके पास एक भी फोन आया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, ये कान खोल के सुन लेना। इस बहन ने किसी समाज को, किसी जाति को कुछ नहीं कहा। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कि तुम्हारे बाप दादा ने ठेका ले रखा है क्या भीमराव अंबेडकर है? हम भी मानते हैं, हम भी उनकी जयंती मनाते हैं और इसके घर पे लगा है फोटो, घर पे लगी है तस्वीर इनके, सभी मानते हैं। केवल और केवल टारगेट बढ़ा दी तुमने, भीम सेना और फलाने आर्मी, ढिगड़ा आर्मी, जूते नहीं खाए अभी तक तुम लोगों ने, कोई मिला नहीं जूते मारने वाला। और अपनी औकात में रहना, जिस दिन किसी ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गए ना, उस दिन धमकियां देना, महिलाओं को क्या धमकी दे रहे हो है? आओ ना, मैंने खुलकर बोला है तुम्हारे में ताकत तो आओ, दो दो हाथ कर लेते हैं सामने आकर, मैं आज इनके घर पे पहुंचा हूं। जैसी मुझे रात को जानकारी मिली, मैं जयपुर जाने वाला था परंतु रात को मैंने निश्चय किया और वापस अभी इनके घर पे आया हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा बहन पवनी से कि आप कहे उन फपुंदरों को, स्वतंत्रों को डरने की जरूरत नहीं। वैसे मुझे विश्वास है, आपके ऑडियो मैंने सुनी, बहुत गर्व हुआ मुझे कि आप किसी की इन फपुंदरों से डरने वाले हैं नहीं। ये चिंदी छोर छिटकुट है, साले पॉकेट मार होंगे कोई न कोई, बराबर वो इन लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं, कोई समझदार तो कर नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि जो ये आप कह रहे हो और जो मैंने ऐसा कोई किया नहीं है, मैंने न्याय की बात रखी है सबके, मतलब 36 कौम की मैंने वहां जाके प्रतिनिधित्व किया है। और आप बोल रहे हो वहां जाके जय भीम और अंबेडकर जी का नारा लगाना चाहिए, क्या आपने भीम सेना और भीम आर्मी वालों ने क्या अंबेडकर जी का ठेका ले रखा है? इन 36 कौम लोगों के क्या अंबेडकर जी नहीं थे, ये नहीं मानते क्या? और आप बोल रहे हो कि उस वहां जाने का आपने किसने बोला? आप कौन होते हो मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले, या आप कौन होते हो मेरे को कहने वाले? मैं ये कहना चाहूंगी इन शब्दों से आप जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। ये आने वाले, मैं आपको बता दूं, तुम तो बोल रहे हो बोरिया बिस्तर समेट लो, आने वाले समय में जालौर जिले से एक बड़ा नेतृत्व करेगी और तुम जैसे फपुंदरों का यहाँ से बोरिया बिस्तर बंद करवा के पता नहीं कहाँ का फेंकेगी। मेरे साथ में वर सिंह जी वाला रहे, मैं कहूंगा आप भी दो शब्द कहें। जय श्री राम। जयवानी, हम सब साथ में आए हो, 36 कौम साथ में है और किसी की औकात नहीं है बहन को हाथ लगाने की। और जो हमारी जो बहन है पवनी देवी जी, जो बोली है एकदम सत्य बात बोली है, उसके लिए किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, हमको उनको सपोर्ट देने के लिए पहुंचे थे और 37 कौम उनके साथ में। और रही बात ये जो क्या बोलते हैं वो सेना बहना, हम लोग इसे मानते नहीं और न हमारे जालौर जिले में इसकी आवश्यकता भी है और न हम उनको कहते भी है। और जो भी है वो अपने आप ही जो रस्ते में चले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। बना दी सेना आर्मी का मतलब पता तुम लोगों को? दो कोड़ी के टट्टू हो, धमकी देते हो, आओ कभी सामने दो हाथ करेंगे। अगर आना है तो एक बार खुल के आ जाओ ना मैदान में। हम इनके घर पे खड़े हैं अभी, पवनी देवी के घर पे खड़े हैं।
और तुम पुनः कह रहा हूँ मैं कि धमकी देने वाले सुअर के पिल्लों, तीतर के बालों, सुन लो मेरी बात। तो कोई दिल्ली से कह रहा है, कोई हरियाणा से कह रहा है, ये तुम्हारा जिज्जा जो है वही रहता है दिल्ली में, ठीक है, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, परंतु ये हमारे राजस्थान की बेटी है, हमारे राजस्थान समाज की बहन है ये, इसलिए इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाने का प्रयास किया ना तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।